नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल, रॉयल राहुल इंडियन से। दोस्तों बहुत दिन से हम लोग वापस आ गए अपने पुराने ईवी के, एलिगो के, क्योंकि अभी एडवांस फॉर्म में है। एलिगो जब कंपनी ने लॉन्च किया तो इनको बनाने वालों को कई साल का एक्सपीरियंस था ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक ईवी के फील्ड में, तो उन्होंने एलिगो बनाया जो कि बहुत ही सक्सेस प्रोडक्ट था। बट कोई भी प्रोडक्ट रहे उसमें कुछ ना कुछ टाइम के हिसाब से चेंजेस करने पड़ते हैं, तो इसके लिए एलिगो 1.0 ये बहुत ही बेहतरीन है पहले के एलिगो से, और भी फिनिश इसका बहुत अच्छा है। सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा है इसका सीट का जो हाइट आप देख सकते हैं, ये इतना कुशन वाला सीट बनाया है, ये बैठने में बहुत ही कंफर्टेबल है। आप लॉन्ग राइड पे जाइए क्योंकि 80 से 100 किलोमीटर इसका रेंज है, तो लोग दूर के लिए यूज़ करते हैं 40-50 किलोमीटर रेंज के लिए, तो एलिगो ने अपने सीट पे बहुत ध्यान दिया क्योंकि लॉन्ग ट्रेवल पे लोगों ने बोला कि नहीं, हमको थोड़ा हाइट और चाहिए और सीट कम्फर्टेबल चाहिए, तो इस गाड़ी का हाइट भी बढ़ा दिया गया। पहले जो ये कुछ स्पीड ब्रेकर पे टच होता था जिसमें डबल सीट वगैरह है, बड़े बड़े आजकल बना देते हैं, बट अभी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूरल एरियाज़ में वो प्रॉब्लम आता था, तो एलिगो ने बहुत अच्छा किया उसके लिए। ब्रीथेबल सीट्स बनाए हैं, बहुत अच्छा इसमें वेंटिलेशन रहता है। उसके बाद इसके हाइट बढ़ा दिए गए, और ये जो स्विचेस के कुछ कंप्लेंट्स हुआ करते थे कि कुछ स्विचेस ख़राब हो रहे थे, तो अभी जैसे कि अपने बाइक्स वगैरह के रहते हैं, स्कूटर्स में जो आते हैं पेट्रोल में, ये पूरा सेट आता है जो कि सील्ड रहता है, तो एक एक स्विच बटन ख़राब होने का चांस नहीं रहता है। फिर इसमें इन्होंने पार्किंग का बटन दे दिया, जैसे अब चालू करते हैं गाड़ी, एक्सिट देने पे पहले भागती थी, तो अब ये पी बटन दबाएंगे, इसके बाद आपकी गाड़ी जो है वो स्पीड पकड़ेगी, तो बहुत कुछ चेंजेस किए। हाई लो बटन स्पीड का तो पहले भी था। उसके बाद बूट ओपनिंग जो है इसका यहीं से हो जाता है, तो यहीं से आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं, बड़ा सा बूट है। इसके बाद ट्रिपर तो इसमें रहता ही था, बट अभी ये बैटरी है जो कि रिमूवेबल है, आप इसको निकाल सकते हो इजीली, इसको रिमूव करके आप इसको घर में ले जाके चार्ज कर सकते हो। और इस बैटरी की खासियत यह है कि 3 ईयर वारंटी मिलती है, तो 3 ईयर पीस ऑफ माइंड, क्योंकि ये हार्ड होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर का, और कुछ लोगों को हमने देखा वो प्रॉब्लम फेस करते थे कि उनका बैटरी का ही इशू आता था, गाड़ी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। तो इसमें जो बैटरी ये लोग दे रहे हैं ये कि पूरा मेटल बॉडी में बैटरी है, और उसके बाद रिमूवेबल है, और 3 ईयर कंप्लीट बैटरी की वारंटी है। इस वहीकल में जो कंट्रोलर और मोटर लगे हैं उसका 2 ईयर्स का वारंटी है, उसके बाद चार्जर का 1 ईयर वारंटी है, और इस कंप्लीट स्कूटर की 1 ईयर वारंटी है, तो ये बहुत अच्छा है अपने लिए। ये क्या होता है, मैंने देखा 6 महीने वारंटीज देते हैं कुछ लोग चार्जर वगैरह का, बैटरी का भी 1 ईयर 2 ईयर था, 2+1 था, बट ये कंप्लीट 3 ईयर्स का कंपनी की तरफ से वारंटी है, एलिगो की तरफ से। आप देख सकते हैं लोगो भी अभी एलिगो ने चेंज कर दिया है। इसका DRL तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, अभी यहाँ मैं उजाले में इतना पता नहीं दिखा पाऊँगा कि नहीं, बट इसका DRL और जो ये इंडिकेटर है सब बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। टायर्स जो है इनके बहुत अच्छे हैं, फ्रंट में टेलीस्कोपिक TVS के टायर्स हैं जो कि इंडियन है, इसमें डिस्क ब्रेक आगे दिया हुआ है, और फिनिशिंग वाइज देख सकते हैं आपकी जो मैच चाहिए वो परफेक्ट है, जो कहीं अपन मिस करते थे कभी कभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में। उसके बाद आप देख सकते हैं डबल शॉक अब्जर्वर पीछे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स है इसमें पीछे, आप देख सकते हैं यहाँ जगह काफ़ी दिया हुआ है पैर के पास सामान रखने के लिए। मुझे लगता है ये कंपेयर करेंगे हम लोग पेट्रोल व्हीकल से तो लगभग डबल है, 250 किलो इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी है इसकी, वो बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन है। और बात किया जाए तो इनका सेल्स सर्विस ये मुंबई के पास पूना में बनती है, तो ये महाराष्ट्र का खुद का ब्रांड है, ये जो व्हीकल है इसका पूना में मैन्युफैक्चर किया जाता है महाराष्ट्र में, और ये अभी ये पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र अवेलेबल है, इंडिया में अभी इन्होंने एक्सपैंड नहीं किया, क्योंकि कंपनी का बोलना है कि जितना हम लोग सर्विस नेटवर्क बढ़ाएंगे उसके बाद ही हम इसको सेल्स करेंगे, इनके जहाँ भी डीलर्स इसके बेचते हैं सर्विसिंग भी वही करते हैं, तो
बाकी इसमें जैसे मैंने आपको बताया था सेंट्रल लॉकिंग भी है, इससे आप व्हील लॉक वगैरह कर सकते हैं। व्हील लॉक करने के बाद इसको कोई खींच के नहीं लेके जा सकता, और इसको आरटीओ रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिस व्हीकल को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है वो बहुत ही अच्छा है। आज के टाइम पे स्पीड भी इसका 50 तक रहता है मैक्सिमम, बहुत अच्छा है, आप कंट्रोल में रख सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से भी आप चार्ज कर सकते हो अगर आपको बैटरी रिमूव नहीं करना है तो। और 87,000 इसका कॉस्ट है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टार्टिंग प्राइस है। 87,000 में आपको इतनी अच्छी गाड़ी मिलती है और आपको पीस ऑफ माइंड 3 साल के लिए, तो बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स हैं, सर्विस अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा, आप चाहिए तो देख सकते हैं, टेस्ट राइड लीजिए गाड़ी अच्छी। इसमें गार्ड्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत प्यारे ऐसे, मैं आपको उसका फ़ोटो डाल देता हूँ, जो कि हम लोग इसमें फिट करने के बाद गाड़ी को सेफ्टी बढ़ जाता है, और इवन उसके चेसी से उसको सपोर्ट मिलता है। ये देखिए यहाँ चेसी का पॉइंट दिया हुआ है। क्या होता है नॉर्मली बहुत सारे गार्ड जो होते हैं ना वो फाइबर बॉडी पे लगा देते हैं टाइट करके, उसको सपोर्ट नहीं मिलता तो वो किसी काम के निकले शो पीस रहते हैं। तो इसमें कैसा है पूरा चेसी में सपोर्ट है गार्ड यहाँ से लेके आगे तक, तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें कई कलर्स अवेलेबल हैं, आप देखिए ट्रायल लीजिए एक बार। पिकअप आपको बहुत अच्छा मिलेगा इसमें, आप दो जन बैठ के इजीली आराम से घूम सकते हो। और मैं तो यही बोलूँगा कि गाड़ी को एक बार टेस्ट राइड लीजिए, उसके बाद बताइए कैसी है। और वाटरप्रूफ मोटर्स है तो आपको बारिश में पानी में कोई चिंता की बात नहीं है। इसको नॉर्मली आप वॉशिंग फुल करा सकते हैं सर्विस सेंटर में, जैसे आप अपनी पेट्रोल बाइक से कराते हो। इकोनॉमिकल है, 10-15 रुपये में आप दिन भर घूम सकते हो यार, और क्या चाहिए। आज के टाइम पे पेट्रोल का प्राइस 108 रुपये हो गया है मुंबई में, वही अगर 100 किलोमीटर आप चलते हो तो आप 3 लीटर पेट्रोल बचा लेते हो, क्योंकि 35 का एवरेज देता है मेरे हिसाब से एक पेट्रोल स्कूटर, तो 15 रुपये में आप 300 का काम कर रहे हो विद सेफ्टी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अब इसका एक छोटा सा राइड लेते हैं। थैंक यू।